हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जालिंद्रा इन्फो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिपमेट के बारे में, यानी कि जिपमेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जिपमेट 2022 के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सारे के बारे में हम इस वीडियो में प्रॉपर देखेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम फीस है और क्या प्रोसेस है इस एग्ज़ाम को फिल करने का। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। और मैं ऐसे ही आपके लिए अपडेट लाता रहता हूँ और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, क्योंकि मैं जो भी कोर्स है उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाता रहता हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यानी कि MBBS, BMS, BDS, यानी कि मेडिकल कोर्स मैंने सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपको उनके बारे में भी कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके जा देख सकते हैं, और उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नए नए अपडेट जो भी आते हैं आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। और देखते हैं जिपमेट के बारे में, यानी कि जिपमेट क्या है। जिपमेट एक जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है। यानी कि इस टेस्ट के थ्रू आपको दो इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है, यानी कि IIM बोधगया और IIM जम्मू। इस टेस्ट को देने के बाद आप BBA और MBA दोनों कर सकते हो, यानी कि 5 साल के अंदर आपके BBA और MBA कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके दोनों कोर्स आपके 5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं इस के बारे में, यानी कि ये एग्ज़ाम कब शुरू हुआ था, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुआ था, और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कब एग्ज़ाम ये शुरू हुआ था। 10 मई 2022 को शुरू हो चुका था ये एग्ज़ाम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 10 मई 2022 से इसकी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, और 9 जून तक इसकी रजिस्ट्रेशन होएगी 5 बजे तक। यानी कि 9 जून को 5 बजे तक इसकी रजिस्ट्रेशन होएगी 5 PM यानी कि शाम तक। और लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, यानी कि जो एग्ज़ाम फ़ीस है उसकी लास्ट डेट है 10 जून तक आप फिल कर सकते हो इसकी एग्ज़ाम फ़ीस। और पेमेंट की बात की जाए तो आप अगर जनरल और OBC में आते हैं तो आपकी फ़ीस 2000 रुपीज़ है, और आप अगर जनरल EWS और SC ST या फिर PWD में आते हैं तो आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 1000 लगेगी, और आप अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर की भी फ़ीस 1000 है। तो ये तो कुछ फ़ीस की बात हो गई, और जो कि आपकी डेट्स हैं कब स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद में हम नीचे जाके देखें। और आपके स्लाइड, आपके वीडियो में भी स्लाइड आती रहेगी, आप साइड में देख सकते हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा है। एक प्रॉपर करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली, यानी कि जो भी करेक्शन करनी है आप कर सकते हैं, पर उसकी कोई डेट दिखा नहीं रखी इसमें। और इंटीमेशन ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर की भी अभी कोई अपडेट नहीं आई हुई है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की बात करी जाए तो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 150 मिनट का एग्ज़ाम है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम है। और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो 3 बजे से लेकर 5:30 PM तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 3 जून को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, और जो इनका रिज़ल्ट आएगा वो NTA की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं आप। और नीचे जाके हम देखेंगे तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर IIM बोध गया एंड IIM जम्मू जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि ऑनलाइन मोड के तरीके से आप इन दो इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि IIM बोधगया और IIM जम्मू। इस टेस्ट के थ्रू आप दो इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। और नीचे तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो ओनली 1 एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाई अ कैंडिडेट, मोर देन 1 एप्लीकेशन इधर,
मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट बाय कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भर सकता है, यानी कि अगर वो मल्टीपल एप्लीकेशन भरेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो मतलब ये जो हाइलाइट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ही बताऊँगा। मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको प्रोडक्टिव चीज़ वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए 10 मिनट के अंदर। और उसके बाद में बात की जाए तो फॉलो द स्टेप गिवन बिलो द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त के 4 स्टेप इन्होंने दिखा रखे हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर ओन ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, यानी कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो आपकी खुद की जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यूज़ करें। एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, यानी कि सिस्टम जनरेटेड जो एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको आपको एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है। और सेकंड स्टेप की बात की जाए तो कंप्लीट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन दी सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इसमें भी यही बता रखा है कि आपको ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है और जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको नोट डाउन कर लेना है जो कि आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। और थर्ड स्टेप की बात की जाए तो इसमें आपको बता रखा है आपको एक नई रीसेंट फोटोग्राफी लगानी है जिसका साइज़ 10KB से 20KB होना चाहिए या इधर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट हो और जिसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए। आपकी फ़ोटो में मास्क नहीं होना चाहिए, यानी कि विदाउट मास्क आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है उसकी फाइल 4KB से लेकर 30KB तक होनी चाहिए। अगर आप PWD में आते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फोर्थ स्टेप की बात की जाए तो आपको फ़ी जो पेमेंट करनी है उस वो आपको SBI के थ्रू करनी है, यानी कि नेट बैंकिंग डेबिट और क्रेडिट UPI के थ्रू आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए तो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टेप 4 कन्फर्मेशन पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड आउट ऑफ द सेम मे बी रिटेन फॉर फ्यूचर, यानी कि फोर्थ स्टेप कंप्लीट करने के बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और जो कि आपको संभाल के रख लेना है जो कि आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। द कन्फर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आप जैसे ही फीस पेमेंट कर दोगे तो आपका एक सक्सेसफुल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये तो कुछ एग्ज़ाम के जो प्रोसेस है, यानी कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम को फिल करना है, तो ये हो गया। और इसके बाद में हम देखेंगे डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे को मोटिवेट करते रहें और मेरे साथ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा जो भी नए अपडेट होंगे। और डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन वही है CVT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 33 क्वेश्चन आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के 33 क्वेश्चन आएंगे एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेहेंसिव के आपसे 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि ये जो एग्ज़ाम है वो टोटल 400 का एग्ज़ाम होगा। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर में कैसी लैंग्वेज आएगी, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात की जाए तो 150 मिनट होंगे आपके पास में, 2 घंटे 30 मिनट। और शेड्यूल ऑनलाइन, अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में। दी पर्पज एग्जामिनेशन शेड्यूल इज एज फॉलो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 10 मई से 9 जून तक आपको इस एग्ज़ाम को फिल कर देना है जो कि हमने पहले ही देख चुके हैं। लास्ट डेट भी हमें पता है, जून है 10 जून। और करेक्शन विंडो अभी अपलोड इन्होंने कोई अपडेट दिया नहीं है, यानी कि अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत आ जाती है तो इसके लिए आपके पास में करेक्शन विंडो भी है, पर ये आपके अपडेट हुआ नहीं है। जैसे ही अपडेट होगा वैसे ही आप अपनी जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्ज़ाम के लिए, तो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपकी देख सकते हैं आप
कैंडिडेट शुड हैव ए पास, यानी कि जो आप ट्वेल्थ के मार्क्स है वो मिनिमम 60% होने ज़रूरी हैं, और 55% है उन कैंडिडेट के लिए जो कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। यानी कि नॉर्मल यानी कि ओबीसी और जनरल वालों के लिए 60% मार्क्स ज़रूरी है ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम में, यानी कि चाहे वो एचबीएससी से हो, सीबीएसई से हो, और ऐसे ही टेंथ के मार्क्स यानी कि टेंथ के मिनिमम 60% होने ज़रूरी हैं। अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी से आता है तो उसके 55% तक होने चाहिए। तो ये तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको ध्यान में रखना है फॉर्म फिल करते वक्त। सो दोस्तों, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो से आपकी लाइफ में मेरे थ्रू कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर आपने इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ मेरे थ्रू वैल्यू ऐड हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है यानी कि एग्ज़ाम फिल करते वक्त आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके साथ में 1-to-1 इंटरेक्ट करूँगा और आपकी हर एक क्वायरी को एक अच्छे तरीके से मैं सॉल्व करूँगा। और दोस्तों, आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन डाल सकते हैं, जिस पर मैं आने वाले टाइम में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।